तो दोस्तों फाइनली जिस चीज़ का हम सभी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार पोको F4 GT कब लॉन्च होने वाला, तो दोस्तों फाइनली उसका लॉन्च डेट जो है कंपनी के द्वारा ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से बात करना चाह रहा हूँ पोको F4 GT के बारे में, बताऊंगा कि इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, इंडियन मार्केट में ये कब लॉन्च होगा, इंडियन मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग होगी, और आखिरकार ये स्मार्टफोन जो है पोको F4 GT को किस शाओमी फोन का रीब्रांड है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सो विदाउट wasting any more time guys, let's get straight to the video. So दोस्तों चलिए सबसे पहले आपसे क्लियर कर देता हूँ कि जो पोको F4 GT है ये किस शाओमी फोन के रीब्रांड है। तो दोस्तों आज से काफी टाइम पहले जो है शाओमी ने चाइनीज मार्केट में एक स्मार्टफोन लॉन्च करा था जिसका नाम था Redmi K50 Gaming Edition। ये उसी स्मार्टफोन का जो है बिल्कुल डिट्टो रीब्रांड कर यहाँ पे लॉन्च करने जा रही है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह में आपको चेंज देखने को मिले, बट स्पेसिफिकेशन हूबहू वही होने वाली है। अब चलिए मैं आपसे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको जो है यहां पे 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी दे दिया गया है। अब दोस्तों सामने की तरफ जो है आपको पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया जाएगा, एंड जहां पे आपको यूज करा जाएगा सोनी का IMX596 वाला सेंसर। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ यहां पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा यूज किया जाएगा 64 मेगापिक्सल का, जहां पे आपको देखने को मिलेगा सोनी का ही IMX686 वाला सेंसर। सेकेंडरी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का होगा जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा, एंड थर्ड कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का यूज किया जाएगा सो कॉल्ड मार्केटिंग गिमिक के नाम पे। एंड दोस्तों यहां पे जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वहां पे आपको OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज में हमें दूसरी कंपनियां OIS प्रोवाइड कर देती है, बट इसमें हमें OIS देखने को नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पे आपको 4700mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा, एंड यहां पे आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे ताकतवर प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट जो कि LPDDR5 रैम टाइप एंड UFS 3.1+2 टाइप के साथ में आएगा, एंड यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएंगे। शाओमी को इन डिस्प्ले पे शिफ्ट करना चाहिए बट नहीं, साइड माउंटेड बस 6 पे जा रही है, एंड यहाँ पे कोई भी 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में जो है आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्टूडियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे, एंड ये स्मार्टफोन जो है MIUI 13 पर रन करेगा जो कि एंड्रॉइड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, एंड इस स्मार्टफोन जो थिकनेस है वो 8.5 mm की होने वाली है, एंड इसका जो वेट है वो 210 ग्राम का होने वाला है। दोस्तों ये रही यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की कहानी पोको F4 GT कह लीजिए या फिर AKA Redmi K50 गेमिंग एडिशन, क्योंकि रीब्रांड कर लॉन्च कर रही है। अब दोस्तों आपसे बात कर लेता हूँ सबसे पहले इसके प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों देखिए इसका जो बेस वेरियंट है वो देखने को मिलेगा 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल के साथ में, एंड दोस्तों जब ये स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लॉन्च तब उसकी प्राइसिंग जो रखी गई थी 39,000 रुपए से स्टार्टिंग प्राइसिंग थी 8 प्लस 128 किलो। तो इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन आता है तो उसकी प्राइसिंग आप मानकर चल सकते हैं कि 45,000 के आसपास भटकने वाली है। जी हाँ, 45,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग भटकेगी, क्योंकि ज्यादा रख देगी तो फिर वहां पे Xiaomi 12 Pro आ जाएगा जो कि लॉन्च होने वाला है, तो Xiaomi 12 Pro से कंपीट नहीं करना चाहेगी। तो इसकी प्राइसिंग जो आप मानकर चले कि 45-50 के बीच में रखेंगे, मोस्ट प्रॉब्लम मानकर चले कि 45,000 ही रख सकती है कंपनी, क्योंकि पोको है और पोको एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जानी जाती है। अब फाइनली लॉन्च डेट आखिर इसकी कब होने वाली है, तो दोस्तों सबसे पहले ये स्मार्टफोन जो है ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो पोको ग्लोबल ने कंफर्म कर दिया है कि हम इसे स्मार्टफोन जो है 26 अप्रैल को ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च कर रहे हैं, और एक बार ये स्मार्टफोन जो है ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो जाए तो इंडियन मार्केट में आने में टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो देखिए 26 अप्रैल को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा, और आप मानकर चलिए कि मई एंड होते होते ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फॉर श्योर। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था यहाँ पे पोको F4 GT से रिगार्डिंग। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ जैसे एक और वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।